हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HPPSC PGT पेपर 1 की प्रिपरेशन की। इस वीडियो में हम इंग्लिश का पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी जो है वो कुछ वीडियोस लेके आई हूँ जो इंग्लिश के पार्ट पे ही वेस्ट है। इन जो ये सीरीज है इसमें हम जो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं इंग्लिश पार्ट के, वो वाले क्वेश्चन है जो HPPSC ने पहले कॉलेज कैडर के एग्ज़ाम में पूछे थे, क्योंकि जो इंग्लिश वाला जो कॉन्सेप्ट था, इंग्लिश और हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं, वो कॉलेज कैडर के एग्ज़ाम में जो है HPPSC ने फर्स्ट टाइम इंक्लूड किए थे। सो जो का पैटर्न था, जिस तरह से वहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चन को कंपाइल करके जो है मैंने सीरीज़ बनाई है। इससे पहले हम वॉइस नरेशन और उसके अलावा जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो भी क्वेश्चंस आए थे उन सारे पेपर में, कॉलेज कैटर के एग्जाम में, स्टार्टिंग से लेकर के जितने भी एग्जाम 25 to 26 एग्जाम हुए थे, उसमें जो भी क्वेश्चंस आए थे वो मैंने उनमें कवर किए। जो रिमेनिंग पार्ट रहते हैं जिनमें वॉइस नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे, उनको कंपाइल करके मैं ये वीडियो लेके आ रही हूँ। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं लेके आऊँगी, उसमें हम बाकी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का यही है कि आपको ये समझ में आए कि किस तरह से HPPSC इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछ सकता है और आपको कौन कौन से टॉपिक पे जो है वो मेनली फोकस करना है, और एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगर आपने ऑलरेडी जो है इंग्लिश का पार्ट कवर करके रखा है। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पहले पॉज करके जो है आप खुद आंसर कर निकालने की कोशिश करना, फिर जो है उसका आंसर देखना, तब आपको आइडिया लगेगा कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द गिवन एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सा जो है इस गिवन एक्सप्रेशन को जो है एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है एक एमेट्योर, एमेट्योर यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह से अगर वर्ड का मीनिंग पूछा होता है, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हैं, आप इनको ऐसे तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करना कुछ वीडियोस जो कॉमन वोकैबुलरी के वर्ड पे जो है बनाई गई हो, कुछ रिसेंट जो वर्ड रिपीट होते रहते हैं वोकैबुलरी में, उनके ऊपर अगर कोई वीडियो या इस तरह से कहीं पर लिखे गए हों ऐसे वर्ड्स, उनको जो है एक बार गो थ्रू करना। बाकी यहाँ पे बोला गया अमेट्योर, यहाँ पे जो वर्ड है इसके एक्सप्रेशन आपको बतानी है। सो इसके जो एक्सप्रेशन है, यानी इस वर्ड का जो मीनिंग है, वो है अ नॉन प्रोफेशनल। एमेच्योर वर्ड जो है वो नॉन प्रोफेशनल के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेज द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें एक वर्ड की एक्सप्रेशन पूछी गई थी, यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस दिया गया है और आपको बताना है कि इस सेंटेंस का कहाँ पे जो है एग्जैक्ट मीनिंग लिखा हुआ। यहाँ पे बोला गया इफ हीना हैड नॉट बीन केयरफुल शी वुड हैव फेल्ड। यहाँ पे बोला गया अगर हीना केयरफुल नहीं होती तो वो फेल हो जाती। ऑल्दो हीना वाज केयरफुल शी फेल्ड, हीना वाज नॉट केयरफुल एट ऑल एंड शी फेल्ड। तो इसका जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दी गई, इसका मतलब है कि अगर वो केयरफुल नहीं होती तब वो फेल हो जाती। यहाँ पे बोला गया कि हीना केयरफुल थी फिर भी वो फेल होगी, लेकिन वो फेल नहीं हुई है, सो ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगी। सेकंड इज, हीना वाज नॉट केयरफुल एट ऑल एंड शी फेल्ड, गलत है, वो केयरफुल थी इसलिए वो फेल नहीं हुई, तो ये भी गलत है। हीना वाज केयरफुल एंड शी पास्ड, सेम मीनिंग जैसा बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हीना अगर केयरफुल नहीं होती तो वो फेल हो जाती, इसका मतलब है कि वो पास हो गया और वो केयरफुल थी। सो ये सेंटेंस हो सकता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट इज, तो हीना वाज नॉट केयरफुल शी वाज एबल टू पास, ये भी नहीं है, हीना केयरफुल थी इसलिए वो जो है वो पास हुई। सो सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पहले इस एक्सप्रेशन का मीनिंग देख लेना है कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है। यहाँ पे बोला गया था कि अगर वो केयरफुल नहीं होती तो वो फेल हो जाती, इसका मतलब है वो पास हो गई और वो केयरफुल थी, तो वो वाली सेंटेंस ढूंढो जहाँ पे सेम मीनिंग है। और कंफ्यूज मत होना, एक बार सभी का जो है मतलब देख लेना, हिंदी में जो भी मतलब होना है फिर आपको जो है उसको करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग जंबल्ड वर्ड्स पार्ट इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत कॉमन था जितने भी एग्जाम हुए इंग्लिश पार्ट, अगर मैं कॉलेज कैडर की बात कर रही हूँ तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंफर्म आया था हर एक पार्ट में। 7 क्वेश्चंस थे इंग्लिश के, उनमें से एक क्वेश्चन जो है यही था जिसमें आपको अरेंज करना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो जब भी आपने सेंटेंस बनाना है तो आपने जो है ऊपर से नहीं, आपने देखना है ऑप्शन से, ऑप्शन से सेंटेंस बनाना स्टार्ट करो, और अगर आपको लग रहा है कि इस ऑप्शन से सेंटेंस बन रहा है तो वो करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर टी है, टी देखो द मॉडर्न वर्ल्ड, पी से आया द मॉडर्न वर्ल्ड एसेंशियल टू द प्रोडक्शन, देन एस, तो ये हो गया द मॉडर्न वर्ल्ड एसेंशियल टू द प्रोडक्शन, कल्चरल एजुकेशन इज,
वो बेस्ट फिट। अब देखो यहाँ पे आपको पता लग गया कि यहाँ पे गलत हो गया है कुछ, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो नहीं बन रहे, सो ये नहीं होगा। सेकंड देखो SQTRP, एस देखो कल्चरल एजुकेशन इज बेस्ट फिट द मॉडर्न वर्ल्ड देन ऑफ द काइंड ऑफ अडल्ट, तो ये भी सेंटेंस नहीं बन रहा है। TER या द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ द काइंड ऑफ अडल्ट असेंशियल टू द प्रोडक्शन, ये सेंटेंस भी नहीं बन रहा है, सो ये इनकरेक्ट हो। देखो जब सी वाला पार्ट देख रहे हो, टी देखो द मॉडर्न वर्ल्ड देन कल्चरल, द मॉडर्न वर्ल्ड कल्चरल एजुकेशन इज असेंशियल टू द प्रोडक्शन आर से ऑफ द काइंड ऑफ अडल्ट हु बेस्ट फिट। अब देखो ऑफ द काइंड ऑफ द अडल्ट के आगे हु बेस्ट फिट आ रहा है। अब यहाँ पे तो सेंटेंस खत्म नहीं हो सकता है, ये थोड़ा मतलब लग नहीं रहा है कि ये प्रॉपर सेंटेंस है। अब नेक्स्ट वाला देखो, ऐसे यहाँ पे बोला है कल्चरल एजुकेशन इज द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ द काइंड ऑफ द अडल्ट हु बेस्ट फिट द मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है कि जो कल्चरल एजुकेशन जो है इज एसेंशियल टू द प्रोडक्शन ऑफ द काइंड ऑफ अडल्ट हु बेस्ट फिट द मॉडर्न वर्ल्ड, जो मॉडर्न वर्ल्ड में बेस्ट फिट हो रहे हैं। सो ये वाली जो सेंटेंस है वो नहीं बन पा रहा था सी वाला, इसलिए जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। तो देखो आपने ऑप्शंस देख के इसका सेंटेंस बनाना है, क्योंकि अब आप खुद से सेंटेंस बनाने लगोगे आप कंफ्यूज होंगे बहुत ज्यादा, इसलिए ऑप्शंस को देखना फिर सेंटेंस को बनाना, फिर उसको देख लेना कि आपका सेंटेंस बन रहा है कौन सा, ज्यादा मोर एक्यूरेट कौन सा है, वो आपने जो है वो टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन यहाँ पे एक्सप्रेशन को जो है एक्सप्लेन करना है, ये एक्सप्रेशन जो बता रहा होगा जो भी सेंटेंस वही इसका करेक्ट होगा। साहिल एंड लैला आर वर्ड्स ऑफ अ फैदर, अब इसको आप बोल सकते हो वर्ड्स ऑफ अ फैदर, अगर इसका मीनिंग क्या हो सकता है, बोथ ऑफ देम कैन फ्लाई हाई, नहीं ये मुहावरे जैसे होते हैं हम लोग वैसे ही वर्ड यूज किया गया वर्ड्स ऑफ अ फैदर, तो फ्लाई हाई नहीं होगा। दे आर ऑफ सेम काइंड एंड लाइक ईच अदर्स कंपनी, ये हम बोल सकते हैं कि एक ही वर्ड्स के फैदर्स को मतलब है कि सेम काइंड का इच अदर की कंपनी को लाइक करते हैं, बोथ ऑफ देम लव वर्ड्स ऐसा हम नहीं बोल सकते, दे डोंट हैव अ स्ट्रांग पर्सनैलिटी, ये भी बिल्कुल सही नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज चूज द राइट ऑप्शन, अगेन यहाँ पे जो ये सेंटेंस दिया गया इसका एक्सप्रेशन बतानी है, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, तो यहाँ पे बोला गया डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये जो इडियम फ्रेज जो भी होते हैं आपको इनको देखना है, इडियम से जो है बहुत सारे वर्ड ये पूछे जाते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं आपको जो कॉमन इडियम्स है वो आपको पता होने चाहिए, तभी आप इनका जो है आंसर कर सकते हो। जो डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स है इसका मतलब होता है कि डोंट रिवर्स द नेचुरल ऑर्डर, इसका आंसर है डोंट रिवर्स द नेचुरल ऑर्डर। अब इडियम आपको देखने पड़ेंगे, जो भी कॉमन इडियम फ्रेजेस रहते हैं वो आपने जो है वो याद कर लेना है, जो भी बुक आपके पास है या फिर यूट्यूब में वीडियोज देख लो इडियम्स के ऊपर जो भी है, तो आप वैसे उनको कवर कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन बोला गया एक वर्ड दिया हुआ है जिसको बोल्ड किया हुआ है, बींग अ हर्मिट इज नॉट एन ईजी टास्क एज यू हैव टू, तो हर्मिट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ये आपने बताना है। सो हर्मिट जो होता है दैट इज रिटायर फ्रॉम सोसाइटी टू लीव अ सॉलिटरी लाइफ, हर्मिट वो होता है जो अकेला रह रहा होता है, मतलब सोसाइटी में नहीं सॉलिटरी लाइफ जी रहा होता है, इसलिए बोला गया दिस इज नॉट एन ईजी टास्क एज यू हैव टू रिटायर फ्रॉम सोसाइटी टू लीव अ सॉलिटरी लाइफ। सो कभी कभी ये जो नेक्स्ट वाली लाइन होती है ये भी हमें हेल्प कर देती है आंसर देखने के लिए, लेकिन ये वोकैबुलरी की वर्ड्स हैं ये आपको इस तरह से आने चाहिए, हर्मिट का होता है रिटायर फ्रॉम सोसाइटी टू लीव अ सॉलिटरी लाइफ। देन यहाँ पे आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, एग्जैक्ट यहाँ पे आर्टिकल पूछ सकते हैं आपसे या फिर एडजेक्टिव पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे पुट डाउन की जा सकती है, आपको बस वो अच्छे से जो है वो फिल करनी है जो सेंटेंस बना रही हो। आई फाउंड द ऑफर टू अट्रैक्टिव टू लीव, तो देखो टू अट्रैक्टिव मतलब कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा कि मैं उसको छोड़ पाऊँ, सो यहाँ पे आप यही से लगा सकते हो, यहाँ पे टी डब्ल्यू होगा और यहाँ पे टू होगा, सो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। देन अगेन अरेंज द फॉलोइंग इन टू मीनिंगफुल सेंटेंस, बहुत सारे एग्जाम्स का जो है जो भी पेपर 25 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट कैडर में पूछे गए थे अलग अलग सब्जेक्ट के, सब में जैसे मैंने बोला जंबल्ड वर्ड्स वाला पार्ट आता ही है, और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको हेल्प करेगा ये, इस वाले पार्ट को बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करो और आप इजिली जो है जो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया होगा। अब देखो जैसे मैंने बोला है कि आपको जो है ऑप्शन से जो है आंसर का पता लगाना है, टी देखो यहाँ पे बोला गया स्ट्राइव टॉन ह्यूमैनिटी द स्क्रिप्चर्स हैव थ्रू द एजेस, तो यहीं से जो सेंटेंस नहीं बन रहा है, तीनों मिला नहीं रहे हैं सेंटेंस को। देन नेक्स्ट इज थ्रू द एजेस द स्क्रिप्चर्स हैव प्रोवाइडेड इमेजरेबल सॉलेस
टू द बॉन्डेड एंड स्ट्राइव टॉन ह्यूमिनिटी, ये हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट एक सेंटेंस बन पा रहा है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। देखो हमने सारे ऑप्शंस नहीं भी देखे फिर भी आपको पता लग रहा है, लेकिन कोशिश करना सारे ऑप्शंस देख पाओ। कभी कभी हमें लगता है कुछ थोड़ा सा गड़बड़ होता है सेंटेंस में, और हम जो है जल्दी जल्दी में जैसे मान लो मैंने बी कर लिया, और हो सकता है इसका बी ना हो सकता है कि कोई और सेंटेंस कुछ एक्यूरेट फॉर्म में लिखा हो, तो हमें सारे देख लेना है फिर एग्जैक्ट जो है वो आंसर देना है। नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द गिवन एक्सप्रेशन, डिलीजेंट का जो है मतलब बताना है आपने। सो आज द फर्स्ट डिलीजेंट इन कम्प्लीटिंग दिस टास्क। सो डिलीजेंट का मतलब है शी वॉज हार्ड वर्किंग एंड परसिस्टेंट इन डूइंग द टास्क। सो डिलीजेंट का मतलब हुआ कि वो हार्ड वर्किंग और परसिस्टेंट है, इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो यहीं से आप पता लगा सकते थे टास्क कंप्लीट करने वाली है तो मतलब कि वो कर सकती है। सी परफॉर्म डर ड्यूटीज नेग्लिजेंटली, अगर नेग्लेक्ट कर रही होती ड्यूटी को तो वो कंप्लीट नहीं कर पाती, तो ये इनकरेक्ट वैसे ही हो जाएगा। अगर आप इन सेंटेंसेस को देख के जो है कोशिश कर रहे हैं आंसर देने की, देन आस्था वॉज करेजियस, करेजियस भी हम नहीं बोल सकते टास्क कंप्लीट करने के लिए, करेजियस नहीं। आस्था लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर लैक होता तब भी वो नहीं कर पाती, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो आंसर सही होगा। लेकिन आपको इनमें जो है वर्ड्स का आंसर पता होना चाहिए, वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे। देन नेक्स्ट इज आपने एक अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है जो सेंटेंस को कवर कर पाए। करण वाज द कलीग्स नेवर अप्रिशिएटेड हिम। सो अगर कलीग्स अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसी चीजें करता होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एम्प्लॉय है तो कलीग नेवर अप्रिशिएट कर रहे होंगे। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हर जगह दिया हुआ है, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड एम्प्लॉय दिया हुआ है, लेकिन आपने देखना है सो वट दस क्या हो सकता है। करण वॉज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एम्प्लॉय, सो द कलीग्स नेवर अप्रिशिएटेड हिम, इसलिए कलीग जो है उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एम्प्लॉय बट द कलीग्स नेवर अप्रिशिएटेड हिम, कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है लेकिन कलीग जो है वो कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। सो इसका जो है बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज चूज द ऑप्शन विच एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट, इफ यू डू नॉट डिलीवर द प्रोजेक्ट इन टाइम यू हैव टू फेस द म्यूजिक। अगर तुम प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं करोगे टाइम से तो तुम्हें जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो फेस करने पड़ेंगे। सो अब इसका कौन सा मतलब जो है एग्जैक्ट है, द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व म्यूजिकल कंपोजिशन नहीं, वो सिर्फ फेस द म्यूजिक एज एडियम यूज कर रहे हैं, देन यू हैव टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिले, ये हम बोल सकते हैं कि डिले के जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो फेस करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट इज अगेन मीनिंगफुल सेंटेंस में इसको जो है अरेंज करना है, आप इन ऑप्शन को देखो आपको जो है वो आंसर पता लग जाएगा। जो भी ये वीडियो देख रहा है इसको पॉज करो, एक बार खुद आंसर देने की कोशिश करो, फिर आपको पता लग जाएगा कहाँ पे जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं। सो इसको अगर आप देखोगे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है गो बैक इन टू द हाउस नॉट अलाउ हर टू, यहीं से गलत हो जाता है, ये तो हो नहीं सकता। देन नेक्स्ट इज द फाइव मैन डिड नॉट अलाउ हर टू गो बैक इन टू द हाउस फॉर द नाइट एज इट वॉज नो लॉन्गर सेफ, ये हो सकता है बी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है एक बार अरेंज करो उनको जंबल्ड वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, और आपका जो है वो करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज अगेन चूज द ऑप्शन विच एक्सप्लेन द गिवन एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, बट फॉर दैट मिस्टेक आई वुड हैव बॉर्न द लास्ट मैच, अगर वो मैंने मिस्टेक नहीं की होती आई वुड हैव बॉर्न द लास्ट मैच, तब मैं वो लास्ट मैच जो है जो जीत जाता। आई मेड द मिस्टेक एंड बॉर्न द लास्ट मैच, नहीं आई वुड हैव बोला है तो जीत जाता लेकिन जीता नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। आई हैव बॉर्न द लास्ट मैच फॉर द मिस्टेक, नहीं उसने जीता नहीं है। हैड आई नॉट मेड द मिस्टेक आई वुड हैव बॉर्न द मैच, ये वाला हो सकता है, सेम जैसे एक्सप्रेशन है इफ आई मेड द मिस्टेक आई कैन विन द मैच, नहीं उसने मिस्टेक ही इसलिए हार गया। सो सी वाले एक्सप्रेशन जो है वो सही है क्योंकि वो सेम मीनिंग बता रही है। नेक्स्ट इज आई लाइक हर एमिकेबल नेचर, एमिकेबल किसको बोलते हैं, सो दैट इज सी शो फ्रेंडली विद एवरीवन, उस एक्सप्रेशन एमिकेबल वर्ड हम यूज करते हैं अगर कोई बहुत ज्यादा फ्रेंडली। नेक्स्ट इज शालू इज, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हो गए, गिफ्टेड शी वॉज पिक्ड अप फॉर द जॉब। सो अगर पिक्ड अप कर लिया है तो मतलब कि वो गिफ्टेड होगी, लेकिन कौन सा वर्ड यहाँ पे अप्रोप्रिएट। सो इसके लिए शालू इज खासली गिफ्टेड शी वॉज पिक्ड अप फॉर द जॉब, सो शालू गिफ्टेड थी इसलिए उसको पिक्ड अप किया गया, इसका जो खासली जो है वो सही होगा आंसर। नेक्स्ट इज अगेन अरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंसेस में, आप फिर से इसको पॉज कीजिए और आंसर देने की खुद जो है वो जंबल वर्ड्स को अरेंज करने की कोशिश कीजिए। देखो कभी भी कोशिश मत करना ऊपर से अरेंज करने की, ऑप्शंस देख के अरेंज करना, टाइम भी बचेगा और आप जो है वो सही आंसर दे पाओगे। फर्स्ट देखो द कंप्यूटर ऑन आर डेस्क एंड लैब्स आर लेस यूज बाय अस देन फोन्स इन आर पॉकेट, देखो फर्स्ट ही स्टेटमेंट हमें करेक्ट लग रही है और फर्स्ट ही इसका आंसर जो है वो होना चाहिए, बाकी को आप अरेंज करके देख लेना कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ मिलेगी।
नेक्स्ट पिक्चर द फॉलोइंग एक्सप्लेन द गिवन एक्सप्रेशन, आपको शायद ये क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, इन स्पाइट लिखा हुआ है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, उसने हार्ड वर्क किया फिर भी वो फेल हो गया, तो इसका मतलब होगा ही वर्क हार्ड बट ही पास्ड, पास नहीं फेल हुआ, ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, ये वाला जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया लेकिन फिर भी वो जो है वो फेल हो गई। देन नेक्स्ट इज अगेन अरेंज करना है आपको मिली फोर सेंटेंसेस में, इसको फिर से पॉज कीजिए और आंसर देने की खुद कोशिश कीजिए, आपको आंसर जो है उसका मिल जाएगा। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द गिवन एक्सप्रेशन, मिसेंथ्रोपिस्ट इज अ पर्सन, मिसेंथ्रोपिस्ट किसको बोलते हैं, सो मिसेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं आप जो ह्यूमन काइंड को जो है वो हेट करता है, एक्चुअली जो वर्ड है वो ह्यूमन के लिए यूज किया जाता है, एंथ्रोलॉजी जैसे बोलते हैं हम लोग कि ह्यूमंस की स्टडी, सो अगर मिस एंथ्रोपिस्ट बोला गया है तो जो हिट्स करता है ह्यूमन काइंड को वो वर्ड यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट इज शी इज टू टायर्ड टू वर्क फर्दर, बहुत ज्यादा थक गई है फर्दर चलने के लिए, शी इज सो टायर्ड दैट सी के नॉट वर्क फर्दर, हम बोल सकते हैं ये सेंटेंस, शी इज टू टायर्ड एज सो एज टू वॉकिंग, शी इज टायर्ड इनफ टू वॉक मोर, शी इज टायर्ड टू वॉक टू, सो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो सही है क्योंकि सेम एक्सप्रेशन जो है ये शो कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू क्लिप वंस विंग्स, ये अगेन ईडियम है किसी के पंख काटना, तो हम बोलेंगे टू रिस्ट्रिक्ट वंस पावर्स, सो डी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे आपको बताना है क्या क्वेश्चन पूछा गया होगा जिसका उसने आंसर दिया है आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, अब देखो आपसे ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आप आंसर ऐसे दोगे कि आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, यही पूछा जाएगा ना कि तुम क्या कर रहे थे, सो अब देखो कौन सा ऐसी एक्सप्रेशन है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो सेम है, बट गेम यू प्ले इन द इवनिंग, अगर गेम पूछे होते तो वो गेम का नाम देता लेकिन उसने गेम का नाम नहीं लिया, व्हेन डिड यू गो इन द इवनिंग, व्हेन भी नहीं पूछा है, व्हेन वर यू गोइंग इन द इवनिंग ये भी नहीं पूछा है, वो टाइम बताता, व्हाट वर यू डूइंग इन द इवनिंग यही उससे पूछा गया, तभी उसने बोला आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, तुम क्या कर रहे थे, मैं जो है वो खेल रहा था। देन अगेन ये मीनिंगफुल सेंटेंसेस में जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको जो है वो अरेंज करना है, सो इसका आंसर आप खुद निकालना, एक बार पॉज करना और फिर इसका आंसर जो है वो निकालना, ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अगेन जम्बल्ड वर्ड्स को अरेंज करना है, सो आपने जो भी जम्बल्ड वर्ड्स वाले क्वेश्चन है उनको मैं स्किप कर रही हूँ, लेकिन आपने पॉज करके उनका आंसर जो है वो खुद देने की कोशिश करनी है, तभी आपकी जो वो प्रैक्टिस बन पाएगी जम्बल्ड वर्ड्स वाले क्वेश्चन में, सो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, आप खुद इसको सॉल्व करना और देखना बी क्यों उसका आंसर। देन नेक्स्ट इज अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है क्या क्वेश्चन पूछा गया होगा जिसका आंसर दिया है, दिस ईयर आई एम प्लानिंग टू टेक यू टू सोनार घाटी फॉर अ ट्रैक सर फॉर द एनसीसी, तो यही पूछा गया होगा कि एनसीसी कैंप के लिए आप कहाँ लेके जा रहे हो हमें, सो देखो व्हेन आर यू टेकिंग अस, व्हेन नहीं पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है क्योंकि उन्होंने बताया है पूरा सोनार घाटी जाएंगे, व्हाई आर यू टेकिंग अस ये भी नहीं क्योंकि उसने बता दिया एनसीसी कैंप, खुद ही पूछ रहा है कि एनसीसी कैंप के लिए जा रहे हैं, वेयर आर यू टेकिंग अस होगा सी इसका जो है वो आंसर होगा। देन एक्चुअली चूज द करेक्ट सेंटेंस, अगेन इसमें जो है वो हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, सो ये वाले क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं, ये मैंने ऑलरेडी इसके लिए जो है वो वीडियो बनाई हुई है, आप उन वीडियोस को जो है वो एक बार देख सकते हो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है। सो यहाँ पे जो ईच ऑफ दिस बॉयज इज प्लेइंग इसका आंसर हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा वर्ब होगा, और जब भी ईच एवरी वन वन ऐसे वर्ड यूज हो रहे हैं, सो ईच ऑफ दिस बॉयज यहाँ पे जो है वो प्लूरल रहेगा लेकिन आगे जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा क्योंकि ईच बोला गया, ईच का मतलब सिंगल, सिंगल ऑफ दैट एक हर एक बॉयज जो है वो खेल रहे, ईच ऑफ दिस बॉयज इज प्लेइंग, सो एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो जरूर देखना, वो आपको हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को समझने में। नेक्स्ट इज यू आर नो लेस देन अ पैथेटिक एज यू आर, ए पैथेटिक किसको बोलते हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, सो इनडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ उसको कहते हैं अपैथेटिक, ए पैथेटिक पर्सन है कि मतलब उसको पेन्स और प्लेजर्स ऑफ लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। देन नेक्स्ट इज करेक्ट सेंस ढूंढना, यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द बस, तुम्हें तेज भागना पड़ेगा अगर तुम बस को कैच करना चाहते हो, यू कैन रन एज फास्ट एज द बस, ऐसा नहीं बोला गया, ऐसा बोला गया बस को कैच करना है तो फास्ट भागो, रन फास्ट और यू मे मिस द बस, ये करेक्ट है क्योंकि तुम्हें फास्ट भागना है ताकि तुम बस को जो है वो मिस ना करो। नेक्स्ट इज फ्राइड फायर्ड आर एनाग्राम, फ्राइड फायर्ड जो वर्ड है वो एनाग्राम है क्यों, अब देखो आप इस वर्ड को देख के ही पता लगा सकते हो एनाग्राम है क्योंकि यहाँ पे देखो एक सेंटेंस को चेंज किया गया, दे आर फाउंड बाई री अरेंजिंग द सेम लेटर्स, आप यहीं से पता लगा सकते थे अगर आपको एनाग्राम का मतलब भी पता नहीं है क्योंकि फ्राइड फायर्ड में जो है वो
सेम लेटर में जंबलिंग की गई है, रीअरेंज किया गया है. नेक्स्ट इज अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वे सिमिलर मीनिंग टू द गिवन एक्सप्रेशन. सो सिमिलर मीनिंग को आपने ढूंढना है. हैविंग फिनिश्ड हर ऑफिस वर्क मिसेस मैथ्यू सैट अगेंस्ट द टीवी सेट. उसने फिनिश कर दिया ऑफिस वर्क, उसके बाद जो है वो टीवी के सामने बैठ गए. बिफोर फिनिशिंग हर ऑफिस वर्क, बिफोर फिनिशिंग नहीं है, आफ्टर फिनिशिंग है. मिसेस मेहता फिनिश्ड हर ऑफिस वर्क एंड सेट, ये करेक्ट होगा बी वाला, क्योंकि उसने फिनिश किया उसके बाद जो है वो टीवी के सेट के सामने बैठ गए. इस वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इसलिए इंक्लूड किए हैं डिफरेंट एग्जाम में जो पूछे गए थे, ताकि आपको इजी हो ये पता करने में कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. और अगर इसी तरह का पैटर्न सेम तरह का रिपीट हुआ या फिर इसी तरह के कोई क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इजिली जो है वो उनको सॉल्व कर सकें. नेक्स्ट इज टू वॉट गेट इन टू हॉट वाटर मीन्स. सो टू गेट इन टू हॉट वाटर, इसका क्या मतलब है? ये एक तरह के इडियम यूज किया गया, जैसे मुहावरे हिंदी में बोलते हैं. सो इसका मतलब है टू बी इन ट्रबल. अगर तुम हॉट वाटर में जा रहे हो, मतलब कि तुम खुद ही मुसीबत को जो है वो इन्वाइट कर रहे हो, सेम मीनिंग है. देन नेक्स्ट इज अगेन आपको क्वेश्चन अप्रोप्रिएट चूज करना है, जिसका आंसर होगा इट्स बीन 5 ईयर्स सिंस आई टुक अप दिस प्रोफेशन. देखो ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि कितना टाइम हो गया आपको इस प्रोफेशन, तो अगेन यहाँ पे हमें जो है वो क्वेश्चन बताना है कि क्या पूछा गया होगा, जिसका आंसर इट्स बीन 5 ईयर्स सिंस आई टुक अप दिस प्रोफेशन. तो क्वेश्चन ऑब्वियसली ये पूछा गया होगा कितना साल हो गया तुम्हें इस प्रोफेशन में. सो सिंस व्हेन हैव यू डन दिस काइंड ऑफ वर्क, व्हेन हैव यू डन नहीं है, कब किया ये नहीं पूछा गया है. सिंस व्हेन हैव यू बीन इन दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में कब से ये पूछा गया है. सो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द गिवन एक्सप्रेशन. देखो मैं जितने भी क्वेश्चन करूँ सेम टाइप के हैं, आपको लगेगा सेम सा है, लेकिन आपको एक तरह से प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा, इसलिए जो है इस वीडियो को बनाया गया है. आपको जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी कॉलेज कैडर के एग्जाम हुए हैं, उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है, ताकि आपको हेल्प मिले कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरह से आप जो है वो उनके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनिशा एंड आर्यन आर कंपेटिबल पार्टनर. अनिशा एंड आर्यन जो है कंपेटिबल पार्टनर है, दे हैव कंटेम्प्ट फॉर ईच अदर, दे हैव सिमिलर आइडियाज इंटरेस्ट. सो हम ये बोल सकते हैं सिमिलर आइडियाज और इंटरेस्ट है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेज द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. सो इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली कौन सी सेंटेंस बता रहा है. हीना इज टू प्राउड टू लिसन टू मी. हीना बहुत ज्यादा प्राउड थी मुझे सुनने में. हीना इज वेरी प्राउड टू लिसन मी, ये भी हम बोल सकते हैं. हीना फील्स टू प्राउड दैट शी लिसन्स टू मी, ये भी सेम सही है. हीना इज वेरी प्राउड ऑफ लिसनिंग टू यू. हीना टू यू नहीं, टू मी होगा. हीना इज सो प्राउड दैट शी विल नॉट लिसन टू मी, ये नहीं होगा. सो इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन रहेगी, लेकिन हीना फील्स टू प्राउड दैट शी लिसन्स टू मी. सो ये सेम सा है, इसलिए जो है वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे अगेन अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स है. सो जम्बल्ड वर्ड्स का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, आप ऑप्शंस देख के इसका क्वेश्चन का जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. सो इसका आंसर जो है वो बी होगा. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द गिवन एक्सप्रेशन. स्टॉप बीइंग अ बैंकरप्ट एज इफ यू. सो बैंकरप्ट किसको यूज करते हैं, बैंकरप्ट हम कब बोलते हैं. बैंकरप्ट उन्हीं को बोलते हैं ना जो मतलब पूरी तरह से मतलब बिल्कुल खाली हो. सो उनको बोलते हैं कैन नॉट पे योर डेब्ट. सो उन्हीं को जो है स्टॉप बीइंग अ बैंकरप्ट एज इफ यू कैन नॉट पे योर डेब्ट. तो बैंकरप्ट बनने की कोशिश स्टॉप करो एज यू कैन नॉट पे योर डेब्ट, इसका आंसर ये हो जाएगा. नेक्स्ट इज अगेन राइट मीनिंग चूज करना है. एज सून एज द कैट सॉ द डॉग स्टार्टेड टू रन, जैसे ही कैट ने कुत्ते को देखा तो उसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया. नो सूनर डिड द कैट सॉ द डॉग एंड स्टार्ट्स टू रन. नो सूनर डिड द कैट सॉ द डॉग देन इट स्टार्टेड टू रन. तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में देखो क्या फर्क है. एंड इट स्टार्ट्स टू रन देन इट स्टार्टेड टू रन, तब उसने भागना जो है वो स्टार्ट कर दिया. स्टार्ट्स नहीं आएगा यहाँ पे, स्टार्टेड आएगा. आपने जो है वो टेंस चेंज नहीं करना है, टेंस वही रहेगा जो ऊपर था, इसलिए इसका आंसर जो है वो स्टार्टेड देन इट स्टार्टेड टू रन हो गया. जम्बल्ड वर्ड्स को अरेंज करना है, अगेन ही आप खुद करोगे. अरेंज करना, पॉज करना, फिर इसका आंसर जो खुद निकालने की कोशिश करना, देन इसका आंसर देखना. तो इसका आंसर डी हो जाएगा. नेक्स्ट चूज द ऑप्शन विच एक्सप्लेन द अंडरलाइन सेगमेंट, जो इस एक्सप्लेन इसको एक्सप्रेस करे, जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसको बताए. तो ये आपने यहाँ पे ढूंढना है. सो आई हैव इनिशिएटेड एन इंटरनल रिक्वायरी अगेंस्ट जॉनी. एक्चुअली आई कुड स्मेल अ रैट व्हेन ही वाज टू पोलाइट. सो आई कुड स्मेल अ रैट, इसका मतलब बताना है. आई बिकेम सस्पिशियस अबाउट हिज बिहेवियर, ऑब्वियसली ये सही होगा. आई कैन कुड स्मेल अ रैट, ये अगेन मुहावरे की तरह एक वर्ड यूज किया गया, इसका आपको जो है वो आंसर बताना है. सो फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा.
देन अगेन जंबल वर्ड्स को अरेंज करना है, आप इसको आंसर खुद देखिए, पॉज कीजिए, फिर इसका आंसर जो है वो निकालिए और इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज यहाँ पे सिमिलर मीनिंग निकालना है, थ्रोइंग ऑफ हिज कोट ही प्लंज्ड इनटू द सी। सो ही थ्रू ऑफ हिज कोट एंड प्लंज्ड इनटू द सी, थ्रोइंग ऑफ हिज कोट बट ही प्लंज्ड इनटू द सी, ही प्लंज्ड इनटू द सी टू थ्रो ऑफ हिज कोट, बिफोर थ्रोइंग ऑफ हिज कोट। सो यहाँ पे बोला गया उसने कोट फेंका, फिर उसने सी में प्लंज कर यानी सी में वो कूद गया। ही थ्रू ऑफ हिज कोट एंड प्लंज्ड इनटू द सी, सही है, थ्रोइंग ऑफ हिज कोट बट ही प्लंज्ड इनटू द सी। ये भी हम बोल सकते हैं, इसका जो करेक्ट रहेगा लेकिन ये फर्स्ट वाला रहेगा कि उसने अपना कोट फेंक दिया एंड देन जो है वो प्लंज ही प्लंज इनटू द सी। बाकी के एक्सप्रेशन सेम नहीं है, यहाँ पे बोला गया वो ही प्लंज इनटू द सी देन थ्रो ऑफ हिज कोट, बिफोर थ्रोइंग ऑफ हिज कोट ही प्लंज इनटू द सी, तो ये उल्टा बोला गया सेंटेंस, तो इसलिए जो सेम मीनिंग बता रहा है वो फर्स्ट रहेगा। देन यूअर्स वॉइस ऑफ डिसेंट, डिसेंट का मीनिंग क्या होगा ये आपको बताना है। सो डिसेंट का मीनिंग होगा यूअर्स इज द वॉइस ऑफ डिसेंट, योर ओपिनियन एक्सप्रेसेस डिसएग्रीमेंट, सो डिसेंट होता है डिसएग्रीमेंट। देन अगेन अरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस को, ये भी आप खुद करेंगे, देखो ऑप्शंस देख के आपने जो है वो अरेंज करने की कोशिश करनी है, जो भी ऑप्शन है उनको देखो फिर उसको जो है वो अरेंज करने की कोशिश करो, आपको आंसर मिल जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी रहेगा। नेक्स्ट इज चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करो। एज ही इज फैट ही रन स्लोली, क्योंकि वो फैट है ही रन स्लोली, ही के साथ रन्स लगेगा, सही है, एस और ईएस का यूज होता है। द इंसिडेंट्स वुड बी हैपन सून, सो इंसिडेंट्स वुड बी हैपन सून बोला गया है, अगर दोबारा वो इंसिडेंट्स होना है सो दैट वुड बी हैपन सून। आई विल वेट हेयर अंटिल यू गो, मैं यहाँ पे वेट करूंगा अंटिल यू गो, कॉपी दिस वर्ड फॉर वर्ड, कॉपी दिस वर्ड टू वर्ड होता है, कॉपी दिस वर्ड फॉर वर्ड नहीं होता है, इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा गया था, सो वर्ड टू वर्ड होता है, इसलिए डी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन एक्सप्लेन करनी है गिवन एक्सप्रेशन, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते हो। इफ यू वर्क हार्ड यू हार्डली पास, हार्डली नहीं, तुम हार्ड वर्क करोगे तो पास हो जाओगे, ये इनकरेक्ट है, वर्क हार्ड और यू विल पास, या तो वर्क हार्ड करो या फिर तुम पास हो जाओगे, ये भी नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला गया हार्ड वर्क तभी पास होंगे, या फिर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होंगे। यू कैन पास अनलेस यू वर्क हार्ड, यू कैन नॉट पास विदाउट वर्किंग हार्ड, तो डी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी, क्योंकि यही यहाँ पे बोला गया है, तुम पास नहीं हो सकते बिना हार्ड वर्क किए हुए। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड सनाया इज एन इगोटिस्ट, इगोटिस्ट का सेम मीनिंग बताना है। सो इगोटिस्ट जो होता है ईगो पे जो लेता है, सी टुक ऑफेंस समटाइम्स एगो, सो इसका मतलब हो जाएगा शी टुक ऑफेंस समटाइम्स एगो, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, राइट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द गिवन एक्सप्रेशन, इसका आपने मीनिंग बताना है। माय फ्रेंड सनाया इज एन इगोटिस्ट, इगोटिस्ट है, इसका मतलब होगा शी डिलाइट्स इन स्पीकिंग अबाउट हरसेल्फ, ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने के लिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू, अब देखो सारे ऑप्शन को आप फिल करके देखो एक बार सेंटेंस बन रहेगी नहीं, टू व्हेन विल यू डिलीवर द पैकेज, व्हेन नहीं बोल सकते, टू होम विल यू डिलीवर द पैकेज, ये हम बोल सकते हैं किसको डिलीवर करने वाले, टू हुज विल यू, हुज भी नहीं आएगा, टू देयर विल यू, देयर भी नहीं आएगा, टू होम जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। देन नेक्स्ट इज हरी इज एन इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का करेक्ट एक्सप्रेशन बताओ, इम्पोस्टर बोलते हैं ही पोजेस टू बी बट ही इज नॉट, कि वो इम्पोस्टर जो होता है वो कोशिश करता है वो बनने की जो वो है नहीं। नेक्स्ट इज आई लाइक हर बिकॉज सी इज अ काइंड हार्टेड पर्सन, सेम मीनिंग वाला एक्सप्रेशन ढूंढना है, सी इज अ काइंड हार्टेड पर्सन फॉर विच आई लाइक हर, सो ये करेक्ट है क्योंकि काइंड हार्टेड पर्सन है इसलिए मैं उसको पसंद करता हूँ, सी इज अ काइंड हार्टेड पर्सन, मैं उसको पसंद करता हूँ इसलिए वो काइंड हार्टेड है, ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बोला गया सेंटेंस में, सी इज अ काइंड हार्टेड पर्सन बट आई लाइक हर।
बट नहीं, वो लाइक इसलिए कर रहा है, सो ये भी इनकरेक्ट है. आई लाइक हर ऑल्दो सी इज अ काइंड हार्टेड पर्सन. सो ये फर्स्ट वाला जो है वो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन बता रहा है. आपको जो है वो मीनिंग हिंदी में कन्वर्ट करना है. एक बार सभी सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करो, आपको खुद जो है वो आंसर मिल जाएगा. सो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस को कवर किया है. बाकी के क्वेश्चंस को हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी. इसी तरह के क्वेश्चन होंगे जो भी इससे पहले हम टेंथ के क्वेश्चंस, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन, वॉइस के क्वेश्चन और नरेशन के क्वेश्चन जो है वो कवर कर चुके हैं. इसके अलावा आप टेंस के ऊपर भी थोड़ा फोकस करना. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी ही है अगर आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करो. बाकी आप इस वीडियो को देख सकते हो. ये जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो उन टॉपिक्स के अलावा जो है वो पेपर में पूछे गए थे, और उन्हीं सभी क्वेश्चन को कंपाइल करके जो है वो मैंने ये वीडियो बनाई है. होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. सेकेंड पार्ट में जल्दी लेके आऊंगी. और अगर कोई भी डाउट रहेगा आपका तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. थैंक यू सो मच.